हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे आरआरबी ग्रुप डी की जो फाइनल कट ऑफ है वो कितने पे रहेगी, किस जोन में कितनी रहेगी, कैटेगरी वाइज हम आपको ये बताएंगे। दोस्तों, आपको अगर हमारी वीडियो पसंद है तो हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि आपके दोस्त भी उस वीडियो को देख कर उसका फ़ायदा उठा सकें। दोस्तों, मैं सुरेंद्र कुमार और आपके अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है कारामाजू सरकारी नौकरी। दोस्तों, हमारा मकसद ही आप लोगों को हर डिपार्टमेंट में जितनी भी वैकेंसी निकलती है उनकी हर अपडेट न्यूज़ आपको देते हैं। दोस्तों, हम आपके लिए हमारे YouTube चैनल पर दो या तीन वीडियो हर रोज़ अपलोड करते हैं, आपको देखते भी हैं ये आप। दोस्तों, आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर नहीं करते, इसका हमें खेद है। पता नहीं आप ऐसा क्यों करते हैं, बट हम अपनी जो प्रयास है वो जारी रखेंगे। ठीक है दोस्तों, हम जैसे कि आप वीडियो के माध्यम से आप लोगों तक मैसेज देते रहते हैं, आज की वीडियो में हम बात करेंगे आरआरबी ग्रुप डी की जो नॉर्मलाइज्ड के बाद में क्या आपकी कट ऑफ रहेगी। ठीक है, यहाँ से मैं आपको दिखा रहा हूँ, देख, रेलवे ग्रुप डी अनऑफिशियल कट ऑफ। दोस्तों, ये एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ है और ये एक्सपेक्टेड का मतलब ये है कि एक या दो नंबर इधर उधर होगा, अदरवाइज आपकी बिल्कुल स्टिक एंड 99% कट ऑफ यही रहेगी। तो कैटेगरी वाइज नॉर्मलाइज्ड यानी कि नॉर्मलाइजेशन के बाद आपकी जो कट ऑफ रहेगी, तो हर जोन की हर अलग कट ऑफ होगी, इसी में हम बात करेंगे। दोस्तों, वीडियो थोड़ा लंबा होगा बट आप शुरू से लेकर लास्ट तक देखें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि आपके दोस्त भी इस वीडियो को देख पाएं। थैंक यू। दोस्तों, हम बात कर लेते हैं पहले आरआरबी इलाहाबाद कट ऑफ मार्क्स। दोस्तों, यहाँ पर जो जर्नल की कट ऑफ रहेगी वो 77.5 नंबर की रहेगी। ठीक है, जो ओबीसी की रहेगी वो 70+ होगी, 70 या 71। दोस्तों, 70+ होगी, ये बात कन्फर्म है। ठीक है, जो एससी कैंडिडेट की होगी, एक सेकेंड रुको ना दोस्तों, मैं यहाँ पर इसका जो कम कर लेता हूँ थोड़ा। ठीक है, जो एससी कैंडिडेट है उसकी रहेगी 47+। ठीक है, 47+ इसकी रहेगी। और अब बात कर लेते हैं आरआरबी मुंबई की जो कट ऑफ रहेगी वो क्या रहेगी। तो आरआरबी मुंबई की जो जर्नल की कट ऑफ रहेगी वो 77+ होगी, और जो ओबीसी की होगी वो भी 77+ होगी, ओबीसी अदर बैकवर्ड क्लास। ठीक है, जो एससी कैंडिडेट है उसकी 63+ होगी, और जो एसटी कैंडिडेट है उसकी 55 नंबर की रहेगी। दोस्तों, आपका एक या दो नंबर यहाँ से इधर उधर होगा। हम बात करेंगे अब सिकंदराबाद की जो कट ऑफ है वह क्या रहेगी। सिकंदराबाद की जो कट ऑफ रहेगी वो 77+ होगी, और ओबीसी की 72+ होगी, और जो एससी कैंडिडेट है वो 63+ होगी, और एसटी की होगी वो 59+ होगी, यानी कि 60 क्वेश्चन। दोस्तों, मैं ये नॉर्मलाइजेशन के बाद की बात कर रहा हूँ। ठीक है, अभी तो आपका इस आंसर की डाल चुकी है और मैंने आपको इसकी जो फाइनल रिजल्ट कब आएगा उसकी भी वीडियो बनाकर अपलोड कर रखी है, आपको हमारी प्लेलिस्ट से वहाँ से पता लग जाएगा। ठीक है, आरआरबी कोलकाता, तो जर्नल की जाएगी वो 80 पे जाएगी, ओबीसी की होगी आपकी वो होगी आपकी 71+ होगी, एससी की 67+, और हम इसमें बात कर लेते हैं एससी की होगी आपकी 67+, एसटी की होगी आपकी 53। ठीक है, अब इलाहाबाद की हमारी हो चुकी थी शायद। ठीक है, अब बात कर लेते हैं हम भोपाल, जो भोपाल की कट ऑफ रहेगी वो आपकी रहेगी जर्नल की 72+, ओबीसी की 66+, एससी की होगी आपकी 58.61, और एसटी की होगी आपकी 51+। ठीक है,
अब बात कर लेते हैं चेन्नई, चेन्नई की जर्नल की कट ऑफ होगी, चेन्नई की होगी आपकी 77 प्लस, और सॉरी दोस्तों ये अजमेर की है 77 प्लस, ठीक है, और आरआरबी चेन्नई की जो आपकी जर्नल की होगी वो 72 प्लस होगी, ठीक है। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी है तो आप शेयर ज़रूर करें, और आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, और लेटेस्ट जॉब के लिए आप बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, ताकि हम जो वीडियो डालें तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिले। तो OBC की बात कर रहे थे हम, OBC की जो अजमेर में जाएगी वो 70 प्लस है, SC की 62 प्लस, ST की 59, ठीक है। चेन्नई की OBC की जाएगी आपकी 69 प्लस, SC की जाएगी आपकी मैक्सिमम 60 क्वेश्चंस जिनके ठीक हैं उनका सिलेक्शन पक्का है, ST की 46 जिनका यानी कि 50 नंबर है या 48 हैं वो बिल्कुल सेफ जोन में हैं। अब बात कर लेते हैं RRB भुवनेश्वर कट ऑफ मार्क्स, जर्नल की आपकी 71 यानी कि 72, OBC की 66, SC की 53 प्लस और ST की 48 प्लस, ये है आपकी RRB भुवनेश्वर। RRB पटना, अब बात करेंगे दोस्तों पटना की कट ऑफ, पटना की जो होगी आपकी जर्नल की, तो जो पटना की जो कट ऑफ रहेगी दोस्तों वो जर्नल की 63 प्लस, OBC की 53 प्लस, SC की 38, SC की काफ़ी कम जाएगी, ST की 26, ठीक है दोस्तों। बेंगलोर कट ऑफ कर लेते हैं, RRB बेंगलोर, जर्नल की 60 यानी 64 प्लस, OBC की मैक्सिमम 60, SC की 30 और ST की 29। RRB रांची कट ऑफ मार्क्स, जर्नल की आपकी 63 प्लस, OBC की आपकी 57 प्लस, SC की आपकी 45 प्लस, ST की आपकी 48 प्लस। RRB त्रिवेंद्रपुरम, RRB त्रिवेंद्रपुरम की बात कर लेते हैं, जर्नल की आपकी 80, OBC की 75 काफ़ी आई जाएगी दोस्तों, SC की 56 और ST की 36। RRB मुजफ्फरपुर, जर्नल की 58 प्लस, OBC की 45, SC की 26, ST की 25, सबसे कम जाएगी दोस्तों मुजफ्फरपुर की। अब बात कर लेते हैं आपकी RRB गुवाहाटी की, तो जनरल की 66, OBC की 57, SC की 52, ST की 52 प्लस, जनरल की 82 प्लस, चंडीगढ़ की बात कर रहा हूँ दोस्तों, OBC की 71 प्लस, SC की भी 71 प्लस, ST की 56 प्लस, काफ़ी आई जाएगी दोस्तों चंडीगढ़ में भी। RRB बिलासपुर कट ऑफ, जनरल की 68 प्लस, OBC की 60 प्लस, SC की 51 प्लस, ST की 50 प्लस। RRB गोरखपुर की बात कर रहा हूँ दोस्तों, जर्नल की 77 प्लस, OBC की 69 प्लस, SC की 56 प्लस, ST की 47 प्लस, ठीक है। अब बात कर रहा हूँ दोस्तों RRB बिलासपुर, RRB जो बिलासपुर की जो कट ऑफ है वो जर्नल की जाएगी 68 प्लस, OBC की जाएगी आपकी 60 प्लस, SC की जाएगी आपकी 51 प्लस, ST की 50 प्लस। RRB गोरखपुर, जर्नल की जो कट ऑफ है वो जर्नल की 77 प्लस, OBC की 69 प्लस, SC की 56 प्लस, ST की 47 प्लस। RRB सिलीगुड़ी की, सिलीगुड़ी की बात कर रहे हैं दोस्तों हम, जो जर्नल की जाएगी वो 67 प्लस, OBC की 56 प्लस, SC की आपकी 54 प्लस, ST की 45 प्लस। RRB जम्मू कश्मीर, जम्मू कट ऑफ, जर्नल की 68 प्लस, OBC की 50, SC की 52 प्लस, ST की 38 प्लस।
अब बात कर लेते हैं आरआरबी मालदा, जो जर्नल की कट ऑफ जाएगी दोस्तों वो जाएगी आपकी 60 यानी कि 60 प्लस, ओबीसी की 48 प्लस, एससी की 43 प्लस और एसटी की 30 प्लस। तो दोस्तों ये थी आज की हमारी वीडियो, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें दोस्तों, इससे बढ़कर नहीं जाएगी, ये आपकी 99.9% करेक्ट है, ठीक है, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन में आपके क्वेश्चंस बढ़ेंगे। और दोस्तों अगर आप देखना चाहते हैं कि इसकी जो ऑब्जेक्शन है उस पर भी हमने एक वीडियो बना रखी है, अगर आपने नहीं देखी है तो वीडियो भी ज़रूर देख लें। और जिसने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और वो जो नए हैं वो सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों, आपने वीडियो यहाँ तक देखा, हैव ए नाइस डे, बाय बाय। ये दोस्तों ये सभी बच्चों से पूछे गए आंकड़े हैं दोस्तों, ठीक है, थैंक यू।